जिस बात का डर था वो हो चुका है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पबजी बैन हो गई थी इंडिया में, लेकिन उसके सर्वर अभी भी चल रहे थे और हम उसको किसी ना किसी तरीके से खेल पा रहे थे। बट अब क्या हुआ है कि 30 अक्टूबर से किसी की भी पबजी मोबाइल ऑन ही नहीं होगी इंडिया में। तो ये न्यूज़ कितनी रियल है और कितनी फेक है ये हम आज की वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हाँ तो गाइस, पबजी मोबाइल के ऑफिशियल डिस्कॉर्ड सर्वर पर और उनके फेसबुक पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जो कि मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, और बिल्कुल हिंदी में बताऊँगा, कोई इंग्लिश में नहीं बताने वाला, क्योंकि इंग्लिश में तो आपने भी पढ़ा ही होगा, आपको समझ नहीं आया। जब भी आप वीडियो देखने आए हैं तो मैं आपको बिल्कुल हिंदी में बताने वाला हूँ कि क्या हुआ है और क्या होने वाला है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने पबजी मोबाइल को 2 सितंबर 2020 को बैन कर दिया था, लेकिन आप सभी को पता होगा जैसे कि बाकी के ऐप थे टिकटॉक जैसे, 2 दिन के उनके सर्वर्स डाउन हो गए थे और हम उनको बिल्कुल भी एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, चाहे जिसने भी उन ऐप्स को अपने फ़ोन में पहले से डाउनलोड कर रखा हो या फिर नहीं कर रखा हो, या फिर वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की तरफ से वो डाउनलोड कर रहे हों, लेकिन उसके सर्वर्स डाउन हो चुके थे और वो बिल्कुल भी एक्सेस नहीं कर पा रहे थे इंडिया के अंदर। लेकिन पबजी मोबाइल के सर्वर्स डाउन ही नहीं हुए थे जिस दिन वो बैन हुई थी या फिर उसके जितने भी टाइम पहले, हम अभी तक उसको खेल पा रहे थे और उसके सर्वर्स डाउन नहीं हुए थे, चाहे अगर हम उस बट वो प्ले स्टोर पे से हट गई थी सिर्फ इंडिया के लिए, कि हम अगर उसको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की मदद से हम उसको डाउनलोड कर रहे थे तो हम उसे एक्सेस कर पा रहे थे क्योंकि उसके सर्वर्स डाउन नहीं हुए थे। लेकिन अब जो स्टेटमेंट निकल के आई है उसके अंदर साफ साफ बोला गया है कि 30 अक्टूबर से सर्वर्स डाउन हो जाएंगे और हम पबजी मोबाइल को बिल्कुल भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे और जितने भी राइट्स हैं टेंसेंट के वो सारे ख़त्म हो जाएंगे और पबजी मोबाइल आप इंडिया में जैसे भी डाउनलोड करें वो आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी। और ये 100% सच्ची इन्फॉर्मेशन है और ये पबजी मोबाइल वालों ने अपने ऑफिशियल अकाउंट्स पे करी है डिस्कॉर्ड और फेसबुक पर, और ये न्यूज़ बिल्कुल भी फेक नहीं है। और बाकी सब अब तो 30 तारीख को ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है। और वैसे भी गाइस आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा क्योंकि इसमें बोला भी ये भी गया है कि जैसे मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ, ये भी हो सकता है कि इंडियन वर्जन आ रहा हो और इसके लिए उन्होंने सर्वर्स को डाउन कर दिया हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन गाइस आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। और बाकी की इतने गाइस आप बाकी की गेम्स भी खेलिए, जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी हो गई को आप खेलिए, जब तक इंडिया में पबजी मोबाइल वापस आ नहीं जाती जब तक आप प्लीज़ वेट कर लीजिए। और बाकी की मैं अब मैं आपको इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा कि क्या हो रहा है और कैसे कैसे हो रहा है, अगर पबजी मोबाइल के आने के चांसेस हो गए तो मैं भी आपको बिल्कुल इन्फॉर्मेशन दूंगा, वीडियोस बना दूंगा कि पबजी मोबाइल वापस कब आ रहा है, कब तक आएगा या फिर क्या चल रहा है, और अब से मैं रेगुलर वीडियोस डालूंगा। तो गाइज़ मेरे चैनल पे बने रहिए। तो गाइज़ अगर आपको और बाकी की भी न्यूज़ जाननी है आगे पबजी के रिलेटेड, तो गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, मैं वीडियो पे 5 लाइक का एम रखता हूँ, और आप कमेंट्स भी कर दीजिए आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए। तब तक के लिए गाइज़ गुड बाय।